19 साल की त्विशा एक एक्टिव आउटगोइंग लड़की है जिसे फोटोग्राफी पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है और जिंदगी खुल के जीना पसंद है। वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं उसको फर्क ही नहीं पड़ता। पर जब वो 11 साल की छोटी सी बच्ची थी तो हमेशा डरी डरी सी रहती थी, महीनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकलती, नीचे सोसाइटी तक भी नहीं जाती। PCOD के कॉम्प्लिकेशंस और पूरी दुनिया के ताने मेरा पूरा बचपन ही मुझसे छीन लिया। मैं जिस तरह से ठीक हुई हूँ ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी सॉल्यूशन इतना सिंपल है, जस्ट लाइफस्टाइल और फूड चेंजेस। मुझे सिर्फ एक गाइडेंस की जरूरत थी और जब वो मुझे मिली मैंने अपने आप को कम्प्लीटली हील कर लिया। त्विशा सचदेव है और मैं 20 साल की हूँ। 11 साल की उम्र में जब त्विशा को अपना फर्स्ट पीरियड आया, सडनली सब जगह पेन होने लगा। छोटी सी त्विशा के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब मुझे पता भी नहीं था क्या होता है। माय सिस्टर सेड कि नथिंग, यू हैव गॉट मैच्योर, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 3 डेज। बट देन 3 से 5 डेज, 5 से 7, 7 से 10, 10 दिन बाद जब वो फाइनली स्टॉप हुआ तो मुझे रिलीफ मिला, नॉर्मल फील होने लगा एंड आई लिटरली थैंक टू गॉड कि मेरी साइकिल रुक गई। बट देन फिर से विद इन 10 डेज माय पीरियड्स केम बैक एंड आई वाज शॉक्ड एंड आई वेंट टू माय सिस्टर एंड मॉम एंड सेड अब क्या करूं, और फिर से आ गए एंड मुझे फिर पता चला कि मुझे PCOD है। बचपन से लेके मैंने इतने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया है, हर डॉक्टर को 3-3 साल मैंने ट्रस्ट किया। इन दवाइयों से मेरी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेट होती ही जा रही थी तो कभी क्योर हुआ ही नहीं। एक अडल्ट फीमेल के लिए नॉर्मली ये 3-4 दिन महीने के बहुत चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन 12 साल की त्विशा के लिए तो महीने में शायद 3-4 दिन ही थे जो नॉर्मल थे। और त्विशा की प्रॉब्लम्स सिर्फ इंटरनल नहीं थे। मेरा एक महीने में एक बार 15 kgs बढ़ गया, फ्रॉम 37 to 52। देन मेरे फेस पे पूरे पिंपल्स आ गए और स्ट्रेच मार्क्स भी आने लग गए थे एंड माय कॉम्प्लेक्शन चेंज्ड कम्प्लीटली। मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी जब मुझे क्लास के लड़के चिढ़ाते थे, वो मुझे लिटरली बोलते थे मुच्छड़, पिंपल क्वीन। मेरे लिए मेरा पीरियड पेन बिल्कुल मैटर नहीं करता था, लुक्स मुझे सबसे ज़्यादा मैटर करने लग गई थी। मैं अपने आप को शीशे में जब खड़े होकर देखती थी तो बार बार यही मुँह से निकलता था दैट आई एम नॉट गुड इनफ। देखते ही देखते मैं 12th स्टैंडर्ड में आ गई। 11 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र तक मैंने अपने आप को आईने में ऐसे ही देखा। बहुत टफ टाइम था इसके लिए। हम लोगों ने मेडिक्लेम इसलिए कराया कि कभी भी उसको इशू हो तो हम उसको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज मतलब दे सके। अप्रैल 2019 में जब टेस्ट रिपोर्ट्स आए तो पता लगा कि त्विशा को थायराइड भी है और साथ में पिछले 8 सालों से सिस्टाइटिस नाम की एक रेयर कंडीशन भी है। जाने में वॉशरूम उसको तकलीफ होती थी, जा ही नहीं सकती थी, रोक के बैठी रहती थी पूरा पूरा दिन कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझसे जाया नहीं जाता, मुझे इरिटेशन होती है। इस लड़की ने पूरे बचपन में इतना पेन सहा है हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसे इसिनोफिलिया नाम की एक बीमारी भी थी, टिश्यू और डस्टबिन हमेशा साथ रखती थी, रात को मास्क लगाकर सोना पड़ता। इन सब के अलावा त्विशा को PCOD की वजह से एक और कॉम्प्लिकेशन आ गए। मुझे पता चला कि मुझे प्रोलैक्टिन डिसऑर्डर हो गया। आई वॉज लाइक सुन के कि अच्छा ये भी कोई डिसऑर्डर है, ऐसे ऐसे डिसऑर्डर होते जिनके कभी नाम ही नहीं सुना। मैं जिस तरह से ठीक हुई हूँ ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी सॉल्यूशन इतना सिंपल है, ना कोई स्पेशलिस्ट, ना कोई हैवी मेडिकेशंस, कुछ भी नहीं, जस्ट लाइफस्टाइल और फूड चेंजेस। मुझे सिर्फ एक गाइडेंस की जरूरत थी और जब वो मुझे मिली मैंने अपने आप को कम्प्लीटली हील कर लिया। लॉकडाउन तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज था। पहले मैं बैठ के पूरा टाइम सर्च करती रहती थी कि कुछ तो मिल जाए जिससे ठीक हो जाऊँ, क्योंकि सब ट्राई कर लिया था। तो एक दिन मुझे YouTube पे एक वीडियो दिखी एंड उसमें PCOD ठीक कैसे करे का डिस्क्रिप्शन था। सुबह दी को मैंने देखा PCOS थी एंड मैं इंस्टेंटली कनेक्ट हो गई कि यार इन्होंने भी वही एक्सपीरियंस किया जो मैंने किया। जब मैं वीडियो देख रही थी तो सुबह दी ने उसमें बता रही थी कि सुबह सुबह परांठे खाना हमारी हेल्थ के लिए कितना नुकसान है, और उस टाइम मैं परांठे ही खा रही थी।
एंड परांठे मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट है, तो आई वाज लाइक ये मुझसे कैसे होगा। और तो और उन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स, आई वाज लाइक सिर्फ फ्रूट्स रियली? पर मैंने तब ये सोचा कि यार मैं हर डॉक्टर को 3-3 साल दे चुकी हूँ, अब मेरा यहाँ एक मेरा लास्ट रिजॉर्ट है, ये मेरा ट्राई बनता है। और यहाँ तक कि मुझे एक डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था कि जो रहा ना एक्सेप्ट कर लो, जस्ट इग्नोर द थिंग्स। बट जब मैंने वीडियो देखी उसमें मैंने सुना कि शी सेड कुछ भी नॉर्मल नहीं है, डिसीज नॉर्मल नहीं है, हम सफ़र होने के लिए नहीं आए हैं, तब इट क्लिक्ड इन माय माइंड एंड आई स्टार्टेड विद 16 आवर्स फास्टिंग प्लस द एशगार्ड जूस। पहले मुझे लगता था कि तू खाती नहीं है, तू करती क्या है, ये तू गलत चीजें ले रही है, तू ऐसे मत कर। फास्टिंग वाज समथिंग व्हिच कंसर्न्ड मी द मोस्ट, क्योंकि जैसे हम डाइट्स लेते हैं उसमें कहा जाता है हर 2 घंटे में खाना खाओ, वो हर 2 घंटे में नहीं खाती थी, मुझे लगता था गलत कर रही है और अपने साथ। बट अल्टीमेटली फास्टिंग ने इतना रिजल्ट देना तो मुझे आइडिया नहीं था। मैं 16 आवर्स फास्टिंग छुप छुप के करती थी, कभी बोलती थी कि अभी क्लास चल रही है कैमरा ऑन है नहीं खा सकती, कभी बोलती थी कि भूख नहीं है, क्योंकि ये सब करना पड़ता है अपने ठीक होने के लिए। अब कैसे समझाऊं कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरा बिलीव ये है कि कुछ भी चीज़ को करने से पहले ना उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, एंड इसी रीज़न से मैंने वीडियोस को आगे देखना शुरू किया कि उसमें वीडियोस थी हाउ टू डिटॉक्स योर बॉडी एवरीथिंग, कैसे खाना खाना चाहिए। उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ती रही, नॉलेज बढ़ती रही, एंड मेरे को अंदर से पता चल गया था कि मेरा सोल्यूशन यही है और कोई सोल्यूशन नहीं है, बेस्ट सोल्यूशन है ये। देन एक दिन ना मैं वीडियो देख रही थी और वीडियो देखते देखते मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा टिश्यू का डब्बा कहाँ है यार, जो मेरे साथ हमेशा रहता था मेरा टिश्यू और मेरा डब्बा, वो है कहाँ? मेरी नोज ब्लॉकेज, स्नीजिंग, आईज जो रेड होती थी, लाइक सब बहुत कंट्रोल में आ गया। जो मेरे लिए सबसे खुशी की बात थी वो ये थी कि अब मुझे रात को बिना मास्क के सोना है, और दूसरा मेरी स्लीप क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो गई थी, लाइक मेरा इजनोफिलिया इतनी बड़ी जो ऑटोइम्यून डिसीज है वो कंट्रोल में आ गई। तो मेरा इजनोफिलिया क्योर नहीं हुआ बट उसके सिम्टम्स लाइक अगर जो 100 थे ना वो 100 से 20 पे आ गए। उसके बाद ना मैंने डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने ना देखा 1 महीने के अंदर धीरे धीरे मेरी स्किन बहुत क्लियर होने लग गई, फिर मैंने नोटिस किया कि मेरी पिगमेंटेशन इतनी रिड्यूस हो गई, मुझे इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल रहे थे। मैं रोज़ सुबह उठ के मिरर देखती थी और हर बार देखती थी यार आज इम्प्रूवमेंट है, हर रोज़ लगता था कि आज और इम्प्रूवमेंट है। जो मेरी सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम थी वो कई हद तक सबसाइड हो गई थी। देन सेकेंडली मेरा वेट लाइक 16 kgs नीचे आ गया था, तो मैं ना क्या करती हूँ कि पुराने कपड़े अपने संभाल के रखती हूँ इस होप में कि शायद मुझे आ जाएंगे, एंड जब वो मुझे अब वापस आना है तो आई फील लाइक वाह। दवाइयाँ मैंने कम्प्लीटली छोड़ दी हैं, बट शुरुआत में ना मैंने कुछ टाइम के लिए वो दवाइयाँ रखी, ऊपर पटक के रखी दो, बट रखी कि कल को कुछ हो गया वापस तो मैं ले लूँगी फिर से, क्योंकि हो चुका है सब। सो जैसी दवाइयाँ छोड़ी फर्स्ट मंथ में बहुत जल्दी आ गए, देन सेकेंड मंथ में बहुत डीले हो गए, बट देन आई केप ट्रैकिंग द थिंग्स एंड 3rd-4th मंथ में मैंने रियलाइज किया कि मेरे साइकिल रेंजेस विद इन 28-30 days, एंड देन आई वॉज लाइक नहीं अब सब ठीक है, आई डोंट नीड मेडिसिन नाउ। लाइक आई कांट इवन एक्सप्रेस, मैं भगवान जी के पास वापस गई जैसे बचपन में जाती थी, और मैंने उनको इतने दिल से थैंक यू बोला ना कि आपने मुझे इतना अच्छा रास्ता दिखाया, थैंक यू आपने नेचर को इतना ब्यूटीफुल बनाया कि हम अपने आप को खुद हील कर सकते हैं। आई वाज सो हैप्पी, मुझे पता चलने लग गया था कि बिना पेन के बॉडी कैसे फील करती है। आज त्विशा बेफिकर होकर अपने घर से बाहर निकलती है। अब उसको डर नहीं लगता कि कोई उसको चिढ़ाएगा या ताना मारेगा या कुछ ऐसा कह देगा जिससे उसको कुछ बुरा लग जाए। आज जब अपने आप को शीशे में देखती हूँ ना तो देख के बोलती हूँ मैं जैसी हूँ ना परफेक्ट हूँ।
त्वषा जो अब दिखती है इतनी खुश खुश थी, वो त्वषा वैसी नहीं थी। धीरे धीरे करके इसमें इतना चेंज आने लगा कि इसने हमें भी इंस्पायर करना शुरू कर दिया कि आप भी करके देखो, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सिमिलर प्रॉब्लम्स थी उसके जैसे। उसके चक्कर में हमने भी साथ साथ की, हमें बहुत आराम आया। हमारे घर में जब से सात्विक आया है, सफेद पेठे का जूस पीना और सारे फ्रूट्स खाना, चपातीस भी मैं कहूँगी सब्जी को कद्दूकस करके, चुकंदर कद्दूकस करो, गाजर कद्दूकस करो, ये सब करके अच्छे से खाना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ चेंज हो गया, अच्छा हो गया। और सबसे बड़ी बात है जो वो हांडी में खाना बनता है, ओहो, तो वैसा फील आता है जैसे कि अर्धी हो गए हो आप, बहुत ज़्यादा नेचर से और कनेक्ट हो गए हो, तो बहुत अच्छा लगता है। जब हमें रिजल्ट मिले, इसने 16 किलो वेट रिड्यूस किया, छोटे भाई ने भी 8 किलो वेट रिड्यूस किया, हमारे को भी स्ट्रेस थोड़ा काफ़ी कम हो गया कि वो ठीक है तो फिर बच्चे ठीक हैं, घर वाले ठीक हैं, तो सब ठीक है। हमारे अड़ोस पड़ोस, मतलब नेचुरल है, जब 16 किलो किसी का वेट कम हुआ तो वही होता है कि क्या किया क्या किया। तो त्विषा अब अपने अलावा और लोगों को भी अवेयर कर रही है, इवन अब वो सोच रही है कि मैं सभी पड़ोसी को इकट्ठा करके एक बारी मैं सारा बताऊं कि किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से नहीं। उसका ये लग रहा है कि भविष्य में मैं मेरे अलावा और भी लोग नेचुरल चीज़ों से ठीक हो सके और कोई भी दवाई ना ले। वो देख नहीं सकती किसी को बीमार, क्योंकि उसने खुद इतना फेस किया। किसी को बीमारी होती है तो सबसे पहले भागती है कि मैं बता सकती हूँ, मुझे पता है सोल्यूशन क्या है। मैं वही कहती हूँ कि कई बार वो बड़ी परेशान होती थी कि ये सब मुझे क्यों मिला, ये सारी बीमारी मुझे क्यों मिला। तब मेरे मन में यही विचार आता था कि शायद कुछ अच्छा करने के लिए भगवान किसी को एक माध्यम बनाता है। शायद मुझे लगा कि त्विषा ही ये माध्यम है कि आने वाले समय में ये सात्विक अवेयरनेस लोगों में भी देगी। तो शी चेंज ड्रास्टिकली एंड आई एम सो थैंकफुल कि उस दिन उसको सात्विक मूवमेंट की वो एक छोटी सी वीडियो दिखी, जिससे आज हम सब इस कंडीशन में है कि उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं बची है।